सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सनराइज एजुकेशन हब को और इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें हमारे नए वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्राकृत संख्याओं के गुणनखंड के बारे में चर्चा की थी। अभी गुणनखंड का हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं, बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड। देखते हैं बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड पर आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हम इनको हल करेंगे। तो आइए देखते हैं बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड को। पहले देख लेते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी प्राकृत संख्याओं के गुणनखंड के बारे में। हमने देखा था कि प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4 मतलब 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती रहती है। यदि हम अल्फाबेट की बात करें, स्मॉल अल्फाबेट, यदि किसी व्यंजक में प्राकृतिक संख्याएं और अल्फाबेट की संक्रिया होती है, संक्रिया का मतलब हो सकता है उनमें भाग हो, गुणा हो, जोड़ हो और घटाव हो, किसी भी प्रकार की संक्रिया हो सकती है, तो वो व्यंजक होता है बीजीय व्यंजक। या फिर हम इस प्रकार से देखें कि चर और अचर, इनके बीच में कोई संक्रिया हो तो अपना बनता है बीजीय व्यंजक। अब चर क्या होता है? चर वे संख्याएं होती हैं, संख्या हम इनको नहीं बोल सकते क्योंकि चर का मान है वो निश्चित नहीं होता, इसलिए हम चर को अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं या फिर इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि जो अल्फाबेट है उनको हम चर बोलेंगे। अचर है, अचर का मान है वो निश्चित होता है, इसलिए हम चर को प्राकृतिक संख्याओं के बार प्राकृतिक संख्याओं से डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक संख्याओं और अल्फाबेट से मिलकर जो व्यंजक बनता है उसको हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। अब ये जो बीजीय व्यंजक है उसका हम गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिस प्रकार से मान लिया अपने पास कोई उदाहरण है 2x, हमें इनका गुणनखंड निकालना है। प्राकृतिक संख्याओं में हमने अभाज्य गुणनखंड का जिक्र किया था, लेकिन ये जो अपना बीजीय व्यंजक है उसमें अभाज्य शब्द का यूज हम नहीं करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे अखंडनीय। अखंडनीय का मतलब यह है कि इसको हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार अपना है 2x, इसको हम लिख सकते हैं 2 × x। तो ये जो 2 × x है वो इस 2x का गुणनखंड है। या फिर हम इस प्रकार से देखें कि अपने पास है 4xyz। इसमें देखें कि ये जो 4 है वो तो है अपना अचर, क्योंकि इसका मान है वो निश्चित है, और ये जो x, y और z है वो है चर, क्योंकि इनका मान है वो निश्चित नहीं है। या फिर हम इस प्रकार से देखें कि इनको हम गुणनखंड के रूप में किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। x है, गुणा में इसको x लिख दिया, y गुणा में इसको y लिख दिया और z गुणा में इसलिए इसको जेड लिख दिया। तो ये जो हमने इसका बड़ा रूप लिखा है 4xyz का, 2 × 2 × x × y × z, ये जो इसका प्रत्येक पार्ट है वो इस 4xyz का गुणनखंड कहलाता है। ये है सिंपल वे में। यदि अपने पास इससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे वो अभी हम देखेंगे। पहला अपना उदाहरण है 4x + 8y। 4x है, इसको हम 4x लिख लिया। 8y है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 4 × y, या फिर सीधा लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं 4y। इसमें देखें तो ये जो अपना 4 है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो 4 यहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं। यहां से हमने 4 निकाला तो यहां बचा है केवल x, लिख लिया। यहां से हमने 4 तो बाहर निकाल लिया है तो अपना बचा है 2 × y + 2 × y। तो ये जो अपना बीजीय व्यंजक है 4x + 8y,
इसके गुणनखंड है 4 × x + 2y। दोबारा देख लेते हैं, 4x है इसको हमने लिखा है 4x, 8y इसको हमने लिखा है 2 × 4y। अब यहां देखें तो 4 है वो दोनों में कॉमन है, इसलिए हमने 4 को बाहर निकाल लिया। यहां बचा था अपना x, x लिख लिया, बीच में साइन था प्लस का वो भी लगा दिया। यहां बचा है अपना 2 और साथ में है y, तो लिख दिया अपना 2y। ये जो गुणनखंड है वो बीजीय व्यंजक 4x + 8y की है। दूसरा अपना उदाहरण है ax + bx + cx। यदि हम इनमें देखें तो ये जो x है वो अपने को एक जैसा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें जो x है उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। यदि हम इसमें से x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचा है a, बीच में साइन प्लस का, यहाँ है b, फिर साइन प्लस का आगे है c। तो ये जो अपना गुणनखंड है x.a + b + c वो बीजीय व्यंजक ax + bx + cx का गुणनखंड है। आगे वाले उदाहरण में देखें तो अपना है 4x² + 8x। 4x² इसको हम लिख सकते हैं 4 × x × x, प्लस है लगा दिया। आगे है 8x, 8x को हम लिख सकते हैं 2 × 4 × x। यहां से देखें तो ये जो 4 है वो हमें एक जैसा दिखाई दे रहा है। आगे चले तो ये है x और यहाँ भी अपना x है, ये भी एक जैसा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 × x है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। यदि हम यहाँ लिखें 4x तो यहाँ बचेगा x, बीच में साइन है प्लस का वो भी लगा दिया, यहाँ बचा है 2 और इसके इंटू में है कुछ नहीं है। तो ये जो 4x.x + 2 है वो बीजीय व्यंजक x² + 8x का गुणनखंड है। अभी हमने किया है बिल्कुल सिंपल वे में गुणनखंड। आगे हम करेंगे कि यदि कोई द्विघात समीकरण है तो उसके हम गुणनखंड किस प्रकार से निकालेंगे। अब हम सर्वसमिका पर आधारित जो बीजीय व्यंजक है उनके गुणनखंड के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली अपनी सर्वसमिका है a + b² होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a² + 2ab + b² प्रश्न हमें इस प्रकार का दिया हुआ होगा और इस प्रकार का जो प्रश्न है उसके हम गुणनखंड इस रूप में निकालेंगे। जिस प्रकार अपना उदाहरण है 9x² + 24xy + 16y², स्टार्टिंग में हमें दे रखा है 9x², हमें ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसको इस रूप में बनाना है। स्टार्टिंग में अपना है a², तो इसको हम a² के रूप में किस प्रकार लिखेंगे। 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है इसलिए हमने लिख दिया 3। x² है उसको हमने लिख दिया x और इसका हमने लगा दिया होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो 3 है इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 बन जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो 9x². इसका मतलब ये है कि 9x² को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां से देखें साइन है अपना प्लस का, 16y², इसको बनाना है इस रूप में मतलब b स्क्वायर में। यहां से देखें तो ये जो 16 है वो 4 का स्क्वायर होता है, y है इसको हम y लिख दिया और इसका होल स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बन जाएंगे और ये जो y है इसका स्क्वायर करेंगे तो y², इसका मतलब ये है कि ये जो 16y है 16y², इसको हम 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखें तो अपना फॉर्मूला है अभी 2ab, यहाँ लिख दिया हमने 2, a की जगह है अपना 3x, यहाँ लिख दिया 3x into b है, b की जगह अपना है 4y, तो यहाँ लिखेंगे 4y। दोबारा देखते हैं अभी ये जो 9x² था इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, 16y² था इसको हमने लिख दिया 4y का होल स्क्वायर और बीच में अपना है 2ab, तो 2ab के रूप में ये जो 24xy है इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। दो अपना सूत्र से है, दो लगा दिया। यहाँ है a, a के रूप में अपने पास है 3x, तो हमने 3x लिख दिया, और ये जो b है b के रूप में अपने पास है 4y, इसलिए हमने लिख दिया 4y। यहाँ से देखें तो 2 को 3 के साथ गुणा करेंगे 6 बनेगा, और 6 का 4 के साथ गुणा करेंगे तो अपना बनेगा 24। यहाँ है x, x और y का गुणा करेंगे तो अपना
एक्स वाई बनेगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि ये जो 3x² प्लस 2 इंटू 3x इंटू 4y प्लस 4y का होल स्क्वायर है, ये जो अपनी सर्वसमिका थी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप का है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपनी सर्वसमिका है वो यहाँ से बनी है। तो ये जो अपना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से देखें तो a है अपना 3x प्लस बी है अपना 4y, तो यहाँ लिखेंगे 4y। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें प्रश्न दिया गया था 9x² प्लस 24xy प्लस 16² उसको हम 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें प्रश्न दिया गया था जो a प्लस बी का होल स्क्वायर सर्वसमिका पर आधारित था, उसके गुणनखंड 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर होगा। नेक्स्ट अपनी सर्वसमिका है a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां साइन है माइनस का और यहां था प्लस का, इसलिए इसमें डिफरेंस थोड़ा सा ही है। ए स्क्वायर और ये जो बी स्क्वायर है वो तो दोनों प्लस में ही आएंगे, लेकिन यहां जो हमने 2ab लिखा था, यदि सर्वसमिका है प्लस की तो यहां साइन आएगा प्लस का, और यहां अपने पास साइन है माइनस का। इसका मतलब ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर सर्वसमिका है उसमें बीच में साइन माइनस का है, तो यहां जो अपना 2ab आएगा उसके आगे साइन आएगा माइनस का। इस प्रकार अपनी जो सर्वसमिका है a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको हम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में हमें प्रश्न है वो इस प्रकार का मिलेगा और उसके गुणनखंड है वो हमें इस रूप में निकालने होते हैं। जिस प्रकार अपने पास एक उदाहरण है 4x² माइनस 12xy प्लस 9y². यहां देखें तो मैं बता रखा है कि यहां है 4x² माइनस 12xy प्लस 9y². सर्वसमिका के साथ तुलना करते हैं, स्टार्टिंग के अंदर जो ए स्क्वायर है वो प्लस में दे रखा है, प्लस में है, बीच में साइन माइनस का है, माइनस में है, आगे प्लस है, तो हमें प्लस में दे रखा है। इसका मतलब ये जो सर्व हमें प्रश्न दिया गया है वो इस सर्वसमिका से हल कर सकते हैं। यहाँ से देखें तो 4x² है, इसको हमें ए स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो इसको हम 2x और इसका होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो दो अपना है उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x² बनेगा। यहाँ से देखें तो प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया, 9y² है, 9y² को हम 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बनेगा और जो y है इसका स्क्वायर करेंगे तो y² बनेगा। यहाँ है अपना 12xy साइन है माइनस का, यदि हम यहाँ माइनस का साइन लगा दें, सूत्र में देखें तो 2 और साथ में ए बी है, तो यहाँ हमने लगा दिया 2। आगे है a, a के रूप में अपने पास है 2x, तो हमने लिख दिया 2x, और b के रूप में अपने पास है 3y, तो यहाँ लिखेंगे 3y। अब हम ये जो लिखा है 2 इंटू 2x इंटू 3y, इसको हम मिलाते हैं कि 12xy इससे बन सकता है या नहीं बन सकता। 2 का 2 के साथ गुणा करेंगे 4 बनेगा, 4 का हम 3 के साथ गुणा करेंगे तो 12 बनेगा, x का y के साथ गुणा करेंगे तो xy। इसका मतलब ये है कि इससे हम 12xy है वो बना सकते हैं। तो हमने ये जो हल किया है इस प्रश्न को, इस सर्वसमिका पर आधारित है। ये जो सर्वसमिका होती है इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास a के रूप में था 2x और b के रूप में था 3y, इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो a तो है अपना 2x, b है अपना 3y, लेकिन बीच में साइन है माइनस का, इसलिए हम यहां लगाएंगे माइनस। तो ये जो हमें प्रश्न दिया गया था 4x² माइनस 12xy प्लस 9y², इसका हमने गुणनखंड निकाला है 2x माइनस 3y और उसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट अपनी सर्वसमिका होगी a² माइनस b² सर्वसमिका है अपनी a² माइनस b², इसको हम a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं।
हो सकता है पर्सन हमें इस रूप में दिया हो या इस रूप में दिया हो, हमें उसके गुणनखंड निकालने हैं। तो सिंपल सी बात है कि गुणनखंड निकालने हैं, तो ये जो सर्वसमिका है इसका सिंपल रूप है ये। इसका मतलब ये हुआ कि पर्सन हमें इस रूप में दिया हुआ होगा और उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे तो हमें गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार से अपना उदाहरण है 4x² - 9y², इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं क्या, बात हमें ये देखनी है। देखें तो बीच में साइन है माइनस का, तो माइनस अपने पास है, यहां है a² आगे है b², ये जो 4x² है क्या हम इसको स्क्वेयर के रूप में लिख सकते हैं, बात ये है। तो यहां से देखें 4 है, 4 को हम 2 का स्क्वेयर लिख सकते हैं, साथ में है x, x को हमने x लिख दिया और इसका हमने लगा दिया होल स्क्वेयर। इसका मतलब ये है कि ये जो अपना 2x का होल स्क्वेयर है इसको हम 4x² लिख सकते हैं, बीच में साइन माइनस का है माइनस लगा देंगे। आगे है 9y², हमें देखना है क्या हम 9y² को b² के रूप में लिख सकते हैं। 9 है इसको हम 3 का स्क्वेयर लिख सकते हैं, y² है इसको हम y का स्क्वेयर लिख देंगे। तो ये जो 9y² है इसको हम 3y का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं। इस प्रकार से यदि हम देखें कि अपने पास सर्वसमिका थी a² - b² के रूप में, तो a को हम 2x मान सकते हैं और b को हम 3y मान सकते हैं। तो ये जो 2x का होल स्क्वेयर था माइनस 3y का होल स्क्वेयर है इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। इस रूप की बात करें हम तो स्टार्टिंग में है a प्लस b, a का मान है 2x और b का मान है 3y, तो हम लिख सकते हैं 2x + 3y। एक टर्म हमने लिख ली है, आगे वाली है a - b, a तो है अपना 2x और b है 3y, 2x - 3y। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें पर्सन दे रखा था 4x² - 9y², उसके हम गुणनखंड इस रूप में प्राप्त करेंगे। यहां से हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि यदि किसी भी पर्सन के अंदर हमें स्क्वेयर के रूप में कोई बहुपद दिया है, स्क्वेयर के रूप में, स्क्वेयर का मतलब होता है 2, तो उसका मतलब ये है कि हमें गुणनखंड भी 2 ही प्राप्त होंगे। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पर्सन है अपना 4x² - 9y², 4x² था उसको हम 2x का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं, बीच में साइन है माइनस का वो भी लगा दिया। आगे है 9y², 9y² को हम 3y का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं। तो ये जो अपना पर्सन है वो a² - b² की जो अपनी सर्वसमिका होती है उस रूप का बन गया। तो ये जो 2x का होल स्क्वेयर माइनस 3y का होल स्क्वेयर है उसमें 2x को हम a मानेंगे और ये जो 3y है उसको हम b मानेंगे। सर्वसमिका होती है अपनी a² - b² बराबर a + b a - b। तो ये जो a + b है, a का मान 2x और b का मान है 3y, बीच में साइन प्लस का था वो भी हमने लगा दिया है। आगे है a - b, a का मान अपना 2x है और b का मान है 3y, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x - 3y। बता दियो सर्वसमिका पर आधारित अब अपने पास कुछ क्वेश्चन है। पहला अपना प्रश्न है 36x² + 84xy + 49y². इस प्रश्न को हम देखें तो अपने पास साइन है दोनों ही प्लस के। इसका मतलब ये है कि हमने जो पहली सर्वसमिका पढ़ी थी a + b का होल स्क्वेयर, उस पर आधारित ये प्रश्न हो सकता है। यहां से देखें तो अपना है 36x², इसको हम 6x का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं। यहां है अपना 49y², इसको हम 7y का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं। सूत्र में हम देखें तो अपने पास होता है 2 a * b, यानी 2ab अपना होता है। यहां देखें तो a है अपना 6x और b है 7y, 2 अपना होता है सूत्र का, यहां लिख दिया हमने 6x * 7y। देखते हैं कि ये जो हमने 2ab लिखा है इससे हम 84xy प्राप्त कर सकते हैं क्या। 2 का 6 के साथ गुणा करेंगे 12 होगा, 12 का 7 के साथ गुणा करेंगे तो होगा अपना 84। यहां है x और y, xy का गुणा करेंगे तो xy। इसका मतलब ये जो हमने लिखा है 2 * 6x * 7y, इससे हम 84xy बना सकते हैं। ये जो 6x है इसका हम होल स्क्वेयर करेंगे तो अपना बनेगा 36x², और ये जो 7y का होल स्क्वेयर है इसका हम होल स्क्वेयर करेंगे तो बनेगा 49y²,
सूत्र अपना होता है भी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के रूप में अपना कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो ए अपना है 6x, बीच में साइन प्लस का, और बी है 7y होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो प्रश्न दे रखा था 36x स्क्वायर प्लस 84xy प्लस 49y स्क्वायर, इसको हम 6x प्लस 7y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो हमें प्रश्न दिया गया था उसके हमने गुणनखंड निकाले हैं 6x प्लस 7y का होल स्क्वायर। नेक्स्ट अपना एग्जांपल है 25x स्क्वायर माइनस 60xy प्लस 36y स्क्वायर। हमारे पास जो दूसरी सर्वसमिका थी a माइनस बी स्क्वायर के रूप में, उससे यदि हम इसकी तुलना करें तो ये प्रश्न ठीक ठीक लग रहा है। यहाँ से देखें 25x स्क्वायर है, 25x स्क्वायर को हम 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 36y स्क्वायर है उसको हम 6y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बीच में साइन है माइनस का, और अपने पास जो सर्वसमिका थी a माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में, उस सर्वसमिका में देखें तो ये जो अपना 2ab था उसके आगे भी साइन माइनस का था। यहां देखें तो ये जो अपना 2 था वो था सूत्र से, a के रूप में अपने पास है 5x और b के रूप में है 6y। यहां से गुणा करें, 2 का 5 के साथ गुणा करें तो 10 होगा, और 10 का 6 से गुणा करें तो 60 बनेगा। ये है x और ये है y, xy का गुणा करेंगे तो अपना xy बनेगा। इसका मतलब ये जो प्रश्न हमने लिखा है 25x स्क्वायर माइनस 60xy प्लस 36y स्क्वायर, उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, और ये अपनी जो a माइनस b का होल स्क्वायर सर्वसमिका थी उस रूप में प्रश्न है, तो उसको हम लिख सकते हैं 5x माइनस 6y का होल स्क्वायर। इसका मतलब हमें जो प्रश्न दिया गया था 25x स्क्वायर माइनस 60xy प्लस 36y स्क्वायर, उसको हम 5x माइनस 6y के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपना एग्जांपल है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर के रूप में। तीसरी अपनी सर्वसमिका थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में, और उसी पर बेस्ड अपना क्वेश्चन है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, अपने जो सर्वसमिका थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर उसको हमने लिखा था a प्लस b a माइनस b, तो ये है अपना p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे p प्लस q और p माइनस q। प्रश्न था अपना p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, सर्वसमिका थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और उसको हम सोल्व करें तो अपना बनता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमने लिखा है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर को p प्लस q p माइनस q। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे एलडीसी में पूछे जाने वाले बहुपद पर आधारित क्वेश्चनों के बारे में।